जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का आंख कभी देखा आप लोग ने? इसमें बहुत बड़ा कला ब्लैक का आंख है, अंदर में रेड है। जगन्नाथ के अंदर में सप्त रंग है। इंद्रधनु कभी आसमान में देखा होगा, कभी कभी देखा होगा, भगवान का पास में डेली इंद्रधनु है, उसमें सब रंग है। ये कला भी एक रंग है, जो स्थापत्य कला है ये रंग है। इसी से जो स्थापत्य कला, ये पत्थर मूर्तियां जो है, ये बहुत पुराने जमाना से चलते आता है। राजा उनको बनवाए थे, उस समय ज्यादा इंडस्ट्री भी नहीं था, तो कारीगर लोग को ये काम देने से उसी के साथ व्यापारी से लेके लेबर से लेकर के सगड़ गाड़ी चलाने वाले सब कुछ आदमी उसी में शामिल होते, क्योंकि ये काम ऐसा है। कला तो स्टोन मिलने के बाद कारीगर इंस्ट्रूमेंट में उसको काट के बनाएगा। ये जो कला है इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला अलग होता है, पानी देने वाला अलग होता है, पत्थर लाने वाला अलग होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने वाला अलग होता है, जो ऊपर उठाने वाला अलग होता है, तो उनको खाना के साथ साथ वस्त्र भी देना पड़ता है, तो सब इंडस्ट्री जुड़ जाता है। तो ये पुराना जमाना में ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा इंडस्ट्री था। अभी जमाना बदलते गया, हम लोग चंद्रमा में जाके पहुंचा आदमी लोग, भारत सरकार भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन तो परिवर्तन है। हमारा बच्चों लोग भी पहले कपड़ा धोती पहनते थे, आजकल तो बहुत पैंट शर्ट सब हो गया, परंतु कला जैसे ही ऐसे ही है, उनका कोई अंतर नहीं हुआ। हाँ, उस समय में मेरा जन्म के समय में भारत में शायद 45 करोड़ आदमी 40 करोड़ की माफिक थे, अभी 130 करोड़ आदमी है। अभी मेरा उम्र भी 83 है। कला ऐसा एक जीवन है, जिसने इसका अंदर में जाएगा, उनको सीखेगा, उनको बनाएगा, वो भूल जाता मेरे पीछे में खाने को पैसा है या नहीं है, मेरा परिवार कैसे चलेगा, वो भूल जाते हैं, कला में निर्मर्जित हो जाता है। तो ये कला को मेरा आगे पीढ़ी को, भारत का नौजवान को, सबको मैं देता। प्रिय मोदी ने अभी जो अवार्ड दिया है, ये एक नमूना है कि ये जो हुनर करने वाले को उसको सामने लाया है। तो आप आगे ये बात को सोच के कला में समर्पित होंगे तो आपको जरूर मेरे से भी अच्छा अवार्ड मिलेगा। तो मैं जवान लोग को यही बोलता कि आगे की पीढ़ी के लिए, परिवार को भी बोलता उनका, थोड़ा कला में बच्चों को समर्पित कीजिए, यंग आदमी को, तो ये कला जीवित रहेगा। चलो, जय जगन्नाथ। उड़ीसा सरकार भी अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रिय जो प्रधान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने बहुत सोच विचार के कारीगर लोग के लिए बहुत कुछ काम करने वाला। यहाँ से जाने से उनसे भी मिलूंगा, इनको भी बोलूंगा, मोदी साहब भी को बोलूंगा, मोदी साहब से भी बात हुआ आज, उन्होंने ये कला के लिए क्या क्या होगा सीतारमन जी को मैं बोला, आप बजट के समय में उसमें कुछ ऐसा प्रबंध रखिए जे ये कला सदा जीवित रहेगा। वो बोला साहू जी मैं आपको बुलाऊंगा बजट के पहले। तो धन्यवाद आपको, आप लोग उसको प्रचार कीजिए, और कलाकार को जो स्थान आज भारत सरकार दिया है, ये दुनिया में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक ब्राह्मण को आप खाना देके, दान देके जितना पुण्य नहीं कमाएंगे, कलाकार को ये जगह में लेके जो पुण्य आज भारत ने किया है, ये हमारा पूर्वज का रामचंद्र राम का देश जो है वो इतना अच्छा देश है, उनका राज्य भी ऐसा देश है जिन्होंने बहुत अच्छा से देश को चलाया था। अभी राम मंदिर बन रहा है, अब बनने के बाद देखिए भारत का गौरव दुनिया में ही जाएगा। जय जगन्नाथ।